आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी जहां इसे लेकर सपा पर हमलावर है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो ने मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे राजनीति से भरा बताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय इस तरह की बातों से धार्मिक विवाद पैदा होगा, इन बहकावे में अब कोई आने वाला नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों, बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, नए विवाद को जन्म देने वाला यह विशुद्ध राजनीतिक बयान है। उन्होंने कहा कि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया और अब चुनाव के समय ऐसे धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो और क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि बद्रीनाथ धाम का जिक्र आदिकाल से हमारे पुराणों में होता आया है। उन्होंने इस बयान की निंदा करते हुए सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि वो भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और वे हमारी संस्कृति से भली भांति परिचित हैं। डिंपल यादव को स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब देना चाहिए, यह बयान निंदनीय है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर सर्वे हो रहा है तो सभी हिंदू मंदिरों का होना चाहिए, क्योंकि कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था, आदि शंकराचार्य ने उसे हिंदू मंदिर बनाया। ऐसे में अगर किसी एक की बात चलेगी तो फिर सभी की बात चलेगी। हमें गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।